और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? गर्मी भगाने के लिए एक परफेक्ट रेसिपी लेकर आया हूँ, कोल्ड कोको। बहुत इजी रेसिपी है यार ये, और एकदम आइस के साथ चिल्ड रहता है। सूरत की फेमस रेसिपी है और बिल्कुल चॉकलेट पी रहे वैसा टेस्ट मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोल्ड कोको बनाना। एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ दूध, ये 2 ग्लास है, मतलब 600 ml के आसपास है। इसको चलाते रहेंगे, गरम करना है, चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से ना लगे। जब तक गरम हो रहा है ना दूध, एक बोल लेते हैं। बोल में डाल रहा हूँ मैं कोको पाउडर, ये 2 बड़े चम्मच है, अनस्वीटेंड वाला वैरायटी है, मीठा नहीं है ये वाला। इसी के साथ में हम लोग डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर भी 2 बड़े चम्मच है। अगर आपको कोको पहले से बनाकर फ्रिज में रखना है तो 1.5 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। मैं तो वही अभी बनाकर अभी पीऊँगा। दूध भी गर्म हो रहा है, मतलब गुनगुना गर्म है, तो 2 गड़ची के आसपास ये कोको पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। अगर दूध ठंडा रहता है तो लम्स पड़ जाते हैं, मिक्स नहीं होता है। अभी एक स्लरी बनानी है हम लोग को, कोको पाउडर कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह मिलाना है। ये रेडी है। हम लोग दूध में चीनी डाल देंगे, ये मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी ली है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं मिल्क शेक जैसा मीठा चाहिए तो 6 चम्मच भी डाल सकते हैं। चलो चीनी भी डल गई, अब जो वो स्लरी बनाए थे ना कोको पाउडर वाली, वो भी इसमें डालनी है। प्रोसेस बहुत इजी है दोस्तों, इसको चलाते रहेंगे। और ये बोल में थोड़ा सा और है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालकर निकाल लेता हूँ, वेस्ट क्यों करना है यार। बस फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े, चिपके नहीं। और इसमें एकदम लशियस क्रीमी स्मूथ वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने ये चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट है, कोको बटर वाली। इसमें डेरी मिल्क या जो बोर्नविले आती है ना, वो भी ले सकते हैं। मैंने 70 ग्राम के आसपास कट करी है, ये भी हम लोग दूध में डाल देंगे। और फिर वही मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसमें बॉईल लेकर आना है। चॉकलेट डालने के बाद ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि वो चॉकलेट नीचे बैठ जाती है और फिर जल जाती है या ओवरहीट हो जाती है बहुत जल्द। तो लगातार इसको चलाना है जब तक पूरी मेल्ट ना हो जाए। वैसे ये रेसिपी में आप कॉर्नफ्लावर की जगह कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हो, उसमें वो वनीला वाला टेस्ट भी आ जाता है। मैं तो भाई इसमें रियल चॉकलेट डालना प्रीफर करता हूँ और कॉर्नफ्लावर, ताकि एक ही फ्लेवर आए और रियल चॉकलेट पीने का टेस्ट मिले इसमें। अभी आप देख सकते हो मीडियम फ्लेम पर इसमें बॉईल आने लग चुका है, एकदम मस्त लशियस लग रहा है ना। गैस बंद करते हैं, अब कुटाई करेंगे। मैंने बेलन निकाल लिया है, एक साफ़ कपड़ा बिछा रहा हूँ, इसके ऊपर आइस रख देंगे, कपड़े से वापस ढककर कूटना स्टार्ट करना है, मतलब आइस को क्रश कर रहे हैं। वैसे मिक्सी में भी इसको क्रश कर सकते हैं, लेकिन फिर वैरायटी नहीं मिलती है आइस की, सब एक ही साइज़ की बन जाती है। आइस भी रेडी है, कोको भी रेडी है, अभी ये गर्म ही है, पूरा ठंडा नहीं है। तो चलो अब इसको कोल्ड करते हैं। वैसे अगर ये कोको में लम्स पड़ जाए, आपको लम्स दिख रहे हैं, तो एक बार मिक्सी में भी इसको चला सकते हैं, मस्त लग रहा है ना। तो सर्विंग के लिए ये मैंने एक ग्लास लिया है, और मिक्सिंग के लिए ये मैंने एक बड़ा वाला ग्लास लिया है जो लस्सी के लिए होता है ना। अब जो सर्विंग वाला ग्लास है उसको आधा फिल कर देंगे क्रश आइस के साथ, और इसमें ऊपर से डलेगा कोको, पूरा ऊपर तक फिल करना है। और अब दूसरे वाले ग्लास के साथ इसको फेंटना है ऐसे 3 से 4 बार। ये पूरा ठंडा हो जाएगा इंस्टेंटली, और इसकी थिकनेस भी सेट हो जाती है, मस्त लग रहा है ना। दूसरा वाला भी बना लेता हूँ। ये प्रोसेस के साथ ट्राई करिएगा दोस्तों, रियल चॉकलेट डाले हैं ना हम लोग, तो ऐसा टेस्ट आता है कि चॉकलेट खा रहे हैं, मतलब पी रहे हैं, पूरा चिल्ड चॉकलेट पी रहे, वो एक्सपीरियंस मिलता है। ये लीजिए, दूसरा ग्लास भी रेडी है, तो उठा लो आप भी एक। तो कैसी लगी कोल्ड कोको दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। मिलता हूँ जल्द और वीडियोस के साथ। गर्मी के लिए अगर आप और ड्रिंक्स देखना चाहोगे तो ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय।